आज मैं एक बहुत ही डिलीशियस चाट बना रही हूँ जो कि हेल्दी भी है, जो है पैर एंड मूंगफली की चाट। क्या आपको मालूम है 5 दिसंबर वर्ल्ड पैर डे है। बेसिकली क्या होता है ना कि हम जब फ्रूट्स की शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे बास्केट में हम एप्पल, ग्रेप्स सब कुछ ऐड कर देते हैं, पर समहाउ ये पैर छूट जाता है। लगता है कि इसका क्या करेंगे ना हम। तो आज मैं USA बार्टलेट पैर यूज़ कर रही हूँ। पैर एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल फ्रूट है जिसके आप चाट में या तो फिर डिज़र्ट्स में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड ये पैर बहुत ही हेल्दी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 कैलोरीज ही होती है पर फ्रूट। तो अगर आप वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये परफेक्ट है। US पैर ना बहुत ही खाने में डिलीशियस होता है, जूसी होता है और फाइबर से भरपूर होता है और विटामिन सी से भी भरपूर होता है। और सबसे बेस्ट बात है कि मार्च तक ये अवेलेबल रहता है। तो पैर को मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। अब ये जो कटे हुए पैर्स है उसको मैं बोल में ले लेती हूँ। ये जो दो मील के बीच में छोटी छोटी भूख लगती है ना, उसके लिए ये परफेक्ट है। अब ये जैसे ही मैंने पैर कट किया है वैसे ही मैं थोड़ा सा नींबू का जूस इसके ऊपर स्क्वीज कर देती हूँ ताकि पैर काले ना हो जाए, वरना वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अब ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास बॉईल किए हुए छोले हैं और ये राजमा है और ये स्वीट कॉर्न है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। आपको अगर राजमा नहीं पसंद है तो आप वो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे उतना आपका जो चाट है वो हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। अब तीखे बन के लिए मैं यहाँ पे ये दो मेरे पास हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक कटी हुई, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और अब कुछ फ्रेश सब्जियाँ मैं इसमें ऐड करूँगी। ये पर्पल कैबेज है, कैरेट है, धनिया और ये प्याज कटे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने 1 to 1.5 टेबलस्पून जितनी ली हुई हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं ये चाट में ऐड कर देती हूँ। और अब लास्ट में मैं ऐड करती हूँ ये टमेटोज। ये हाफ टमेटो को मैंने बारीक चॉप कर दिया है। और अब ये चाट का जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मसाला पीनट्स। तो पहले मैं मसाला पीनट्स तैयार कर लेती हूँ। मसाला पीनट्स बनाने के लिए पहले मैं 1 teaspoon ऑयल ऐड कर देती हूँ पैन में। तेल गरम होते ही ये पीनट्स जो कच्ची वाली है वो मैं प्लेट में ऐड कर देती हूँ। और मैं छिलके के साथ ले रही हूँ, आप बिना छिलके के भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, बहुत अच्छा कलर देगी पीनट्स पे। लीजिए, मसाला पीनट्स तो रेडी है। ये पीनट्स अभी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसको चाट में ऐड कर देते हैं। पीनट्स ना बहुत अच्छा क्रंच लाएगी चाट में, खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। ये देखिए क्या मज़ेदार चाट लग रही है, बहुत सारे कलर्स के साथ। आपको पता है पैर में विटामिन सी एंड फाइबर एकदम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ना पैर को हम जब हम स्पेशली डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं ना वेट लॉस के लिए, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फाइबर रिच जो फूड होता है वो हेल्प करता है आपके वेट लॉस के लिए और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो आपकी स्किन का भी साथ में ये बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्योंकि जब वेट लॉस जर्नी हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहली मुश्किल हमें वही होती है कि स्किन पे से ग्लो चला जाता है, तो पैर आपकी स्किन को यंग दिखने में हेल्प करेगा। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। याद रखिएगा कि हमने पीनट्स में भी सॉल्ट ऐड किया था, तो बस थोड़ा सा ही सॉल्ट हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास भुना हुआ जीरे का पाउडर है, मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। ये मैंने 1 teaspoon भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है और जाएगा थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये मेरे पास इमली और गुड़ की मीठी वाली चटनी है, इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरे वीडियोस में मिल जाएगी। ये टोटली ऑप्शनल है पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चाट के टेस्ट को एकदम ही एक स्टेप आगे लेके जाता है क्योंकि वो हल्का सा टैंग आ जाता है और माइल्ड सी मिठास भी आ जाती है इससे।
और अब सारी चीज़ों को मैं एक बार मिला लेती हूँ। अब ये पैर और पीनट्स की चाट तो रेडी हो गई है, जल्दी से मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा सा ये जीरे का पाउडर ऐड कर देती हूँ और ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास, वो भी मैं चाट में ऐड कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है डिलीशियस पैर एंड मूंगफली की चाट। जूसी पैर, क्रंची पीनट्स, ऐसा वाला हेल्दी खाना मिले ना, हर कोई वेट लॉस जर्नी फॉलो करे, पक्की बात मेरे लिए।